कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। जिस तरह बसंत ऋतु के आते ही पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं, उसी तरह चुनावी बसंत ऋतु आते ही पार्टी के नेता इस दल से छिटक कर दूसरे दल में जाने लगते हैं। लोकसभा चुनाव काफी करीब है, अब नेताओं के दल बदलने का खेल शुरू हो गया है। ऐसे में आज बात दल बदलू नेताओं की, आज बात दल बदलू नेताओं के अड्डे की, आज बात इस मुद्दे की कि इस तरह दल बदलने से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और लोकतंत्र को ऐसे नेताओं से किस तरह खतरा है। शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब इट इज ए मोस्ट हैप्पी डे फॉर मी, आई हैव कम हियर टू जॉइन कांग्रेस अगेन। नमस्कार, मैं हूँ अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। देश के राजनीति में जिसके दल का ट्रक वोट की सड़क पर पलटा हुआ दिखने लगता है, वो अपना दल बदल लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदलने का ये खेल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आगाज के साथ ही मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने से शुरू हुआ और अब ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा। ये दल बदलने का इतिहास काफी पुराना है। दल बदल कर सिर्फ नेता, विधायक या सांसद ही नहीं बनते, बल्कि दल बदल कर राजनेता, प्रधानमंत्री तक बने हैं। देश में 1957 से 1967 तक की अवधि में करीब 542 बार सांसद विधायकों ने अपने दल बदल लिए। फिर 1967 में चौथे आम चुनाव से पहले वर्ष में भारत में 430 बार सांसद विधायक ने दल बदलने का रिकॉर्ड बनाया। साल 1967 के बाद एक और रिकॉर्ड बना, जिसमें दल बदलू के कारण 16 महीने के भीतर 16 राज्यों की सरकारें गिर गई। उसी दौर में हरियाणा के विधायक गया लाल ने 15 दिन में ही 3 बार दल बदल के हरियाणा की राजनीति में एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद कहावत बनी आया राम गया राम। अधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। साल 1980 में भाजपा के स्थापना के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात कही थी। अधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। लेकिन उस वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं या फिर विपक्षी दलों में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले दिनों में वाजपेयी की बातें सही साबित होंगी। साल 2014 के बाद सबसे ज्यादा दल बदलू नेता बीजेपी में गए। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि लोग चढ़ते सूरज और जीतने वाले को प्रणाम करते हैं, लेकिन साल 1984 के लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें हासिल करने से लेकर 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने अपने इस शानदार सफर में कई उतार चढ़ाव भी देखे। 1984 के चुनावों में जबरदस्त शिकस्त के बाद पार्टी और उसके वैचारिक अभिभावक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर गंभीर आत्मनिरीक्षण किया गया। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया और ये मोदी की गारंटी है। बहरहाल, अपनी विकास धारा के लिए विचारधारा की चिड़िया बैठाकर जनता और जनादेश से खेलने का खेल काफी समय से चलता आ रहा है। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की। क्या कहते हैं आंकड़े? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2014 से 2021 तक विधायक सांसद स्तर के 426 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। फिर साल 2021 से 2023 तक विधायक और सांसद स्तर के करीब 200 नेता बीजेपी में शामिल हुए।
सिर्फ विधायक या सांसद स्तर पर ही नहीं बल्कि भाजपा ने 7 राज्यों की कमान दल बदलू नेताओं को दी हुई है। अब देखिए बिहार में वर्तमान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी, फिर बाद में जेडीयू गए और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मूल कांग्रेसी हैं। उन्होंने साल 2015 में कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए बीजेपी का साथ पकड़ लिया। उनके अलावा भाजपा ने पश्चिम बंगाल में भी दल बदल कर आए शुभेंदु अधिकारी पर ही भरोसा जताया। शुभेंदु बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और शुभेंदु ने करियर की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस से की थी। यही नहीं, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, झारखंड में भी दल बदलू नेताओं के हाथ में ही कमान है। दल बदलू नेताओं की बात हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल गांधी सहयोगी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने में कामयाब रहे और उन्हें बाद में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इसके अलावा भी दिग्गज नेताओं की फेहरिस्त है जिनका एक एक कर नाम अगर गिनाते गए तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ जाए। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस से नेताओं का मोह भंग हुआ। 2021 से 2023 तक गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दल बदल का खेला हुआ। हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दल बदलू नेताओं को लेकर एक बयान दिया था। अंतर आत्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। साल 2014 से लेकर 2021 तक के आंकड़े उठाएं तो जहां 399 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ा तो दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। बीएसपी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या 170 रही। वहीं अगर भाजपा से पलायन की बात करें तो इन 7 सालों में 144 नेता भाजपा को छोड़कर दूसरे अन्य पार्टियों में शामिल हो गए। अब आइए समझते हैं क्या कोई दल बदल को लेकर कानून भी है या फिर जब मन चाहे आप पार्टी बदल सकते हैं। साल 1985 में दल बदल को रोकने के लिए भारत के संविधान में 52वां संशोधन किया गया जिसके बाद 10वीं अनुसूची अस्तित्व में आई। इसके अनुसार विधायकों पर कार्यवाही का अधिकार स्पीकर को दिया गया है। इसमें अंदर और बाहर दोनों जगह उनके आचरण के लिए अयोग्यता की कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। दल बदल कानून में 2/3 विधायकों के एक साथ अलग होने पर किसी भी तरह की कार्रवाई का नियम नहीं है। कई जगह पर देखा गया है कि कार्रवाई से बचने के लिए एक साथ विधायक पार्टी को छोड़ देते हैं। दल बदल कानून सिर्फ चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर ही लागू होता है, इसलिए छोटे बड़े नेता आसानी से पार्टी बदल लेते हैं। हमारे देश में हर पार्टी का नेता चुनाव लड़ते समय खुद को सेवक बताते हुए जनता को भगवान कहता है। राजनीति को कोई व्यापार या नौकरी नहीं मानता। नेता तो बताते हैं कि वो जनसेवा करने आए हैं लेकिन अपने सहूलियत के अनुसार पद से इस्तीफा दे देते हैं, जैसा हाल ही में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूँ जो मैंने निर्णय लिया है। इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि दल बदलने से जीत की गारंटी कितनी रहती है। एक रिसर्च के अनुसार लोकसभा सीटों के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 2017 में 14.6% दल बदलने वाले ही चुनाव जीत पाए। साल 2012 में 8.4% दल बदलू नेता चुनाव जीत पाए थे। 2007 में 14.4% दल बदलने वालों ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2002 में भी इतने ही नेता दल बदलने के बावजूद जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। इसी आधार पर दावा है कि 100 दल बदलने वाले नेताओं में से 15 ही इलेक्शन जीत पाते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि जब जीत की गारंटी 15% ही है तो क्यों दल बदलते हैं।
दरअसल दावा है कि जो नेता सही लहर के हिसाब लगाकर दल बदलते हैं वही नेता सबसे ज्यादा फायदे में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नीतीश कुमार है जिन्होंने एक बार फिर पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया है। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 ऐसे राज्य हैं जहां दल बदलू नेताओं की वजह से ही बीजेपी जनाधार बड़ा पाने में सक्षम हुई है। 2014 के चुनाव में करीब 10 सीटों पर बीजेपी ने दल बदलुओं को टिकट दिए। यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी दल बदलुओं ने बीजेपी का जनाधार बढ़ाने का काम किया। साल 2018 में जब मध्य प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथों से निकल गई थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 28 कांग्रेस विधायक टूट गए, सभी ने बीजेपी का समर्थन कर दिया, जिसके बाद बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। भाजपा इसके बाद मध्य प्रदेश में मजबूत होती चली गई। पश्चिम बंगाल में भी 2019 में दल बदल कर आए नेताओं ने बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलवाई। 2019 में बंगाल में जीते बीजेपी के 30% सांसद दूसरे दल से आए थे। ऐसे में पार्टी को फायदा तो होता है लेकिन उस नेता को भी फायदा होता है, बस नुकसान होता है तो देश की जनता का, उस जनता का जिसे नेता चुनाव से पहले अपने सिर आंखों पे बिठाते हैं, क्योंकि किसी नेता से हमारा लगाव उसके कामों या उसकी पार्टी की वजह से हो सकता है, किसी पार्टी से और किसी गठबंधन से भी हमारा सार्वजनिक हित जुड़ा हो सकता है, लेकिन उसी पार्टी उसी गठबंधन को जब वो नेता तोड़कर किसी और दल में जाता है यही तकलीफ होती है। और मन में केवल एक ही सवाल उठता है, क्या हमारे लोकतंत्र को इससे कोई खतरा नहीं है? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।